Hello kids, good morning. How are you all? I think you all are fine. And today, we are going to learn about those who are helping us. आज की इस critical condition में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें help करते हैं, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें other way में help करते हैं, okay? तो इस critical condition में corona warriors, आप ऐसे कौन लोग हैं जिसे आप देखते हो कि हाँ ये कंडीशन में सब लोग घर पे बैठे हैं पर फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं। यस, पहले तो पुलिसमैन, हमारी जो पुलिसमैन की सर्विस है वो हमें 24 आवर्स मिल रही, और डॉक्टर्स, एंड थर्ड इज टीचर्स। यस, ये तीनों लोग हमारी ये क्रिटिकल कंडीशन में, सब लोग अपने घर पर है पर ये लोग हमें टीचर्स है, हमें वो नॉलेज दे रहे, पढ़ा रहे ऑनलाइन भी ऑनलाइन, और डॉक्टर है, सब लोग पेशेंट से दूर भागते बट फिर भी वो आज हमारी सबको हेल्प कर रहे हैं। लाइक नाउ अभी वो गॉड का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड हमारे जो पुलिसमैन है वो हमें क्या कर रहे हैं, हर जगह पे वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें भी अपनी वो सर्विस दे रहे हैं। ओके, तो ये सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, तो इसे बोलते हैं पीपल हु वर्क फॉर अस, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो चैप्टर है 9 फ्रॉम अवर स्पीकवेल बुक। ओके, तो टुडे वी विल लर्न द अवर हेल्पर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वो टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है? द टीचर टीचेस मी, यानी कि टीचर्स हमें टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं, और नॉलेज से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें टीचर्स से मिलती है। वो ड्राइव्स द स्कूल बस, आपको स्कूल आना है बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको घर से स्कूल कौन लेके आते हैं? तो हमें घर से स्कूल आने तक कौन हेल्प करता है? हमारे जो बस ड्राइवर है वो। द ड्राइवर ड्राइव्स द स्कूल बस, जो ड्राइवर है वो ड्राइव करके बस को यहाँ पे स्कूल लेके आता है, और स्कूल रिटर्न में हमें घर भी छोड़ने आता है, तो वो है हमारे हेल्पर्स है। देन वो क्योर्स यू व्हेन यू आर सिक, आपको कौन क्योर करता है जब आप बीमार पड़ते हो, आपको कौन बीमारी से ठीक करता है? यस, आप सबको पता है द डॉक्टर क्योर्स व्हेन आई एम सिक, डॉक्टर है वो हमारी बीमारी को क्योर करता है ना, तो वो भी हमारी एक हेल्प ही हुई। वो ग्रोस फूड फॉर यू, हम खाते हैं बहुत सारी चीज़ें पूरे दिन में, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है और कहाँ पर कौन ग्रो करता है? द फार्मर ग्रोज फूड फॉर मी, जो फार्मर होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, फूड ग्रो करते हैं। वो ब्रिंग्स योर लेटर्स, अभी तो हम ये सिस्टम नहीं है क्योंकि अभी तो हम व्हाट्सअप फेसबुक यूज़ करते, पर पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं था तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए वो लोग लेटर्स लिखते थे, तो जो पोस्टमैन होता था वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो लेटर्स एक दूसरे को देते थे, और इस तरीके से वो लोग बातचीत करते, तो जो कौन हेल्प करता था, पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर्स, तो पोस्टमैन है वो हमारे लेटर्स लेके आता था। वो वॉशेस योर क्लोथ्स, हमारे जो कपड़े हैं वो कौन धोते हैं? हाँ, मुझे पता है आप सब बोलोगे मम्मा, बट अगर मम्मा नहीं है और बहुत ज़्यादा है तो कौन करते हैं हेल्प हमें? वॉशरमैन वॉशेस माय क्लोथ, वॉशरमैन, ओके, जिसे बोलते हैं हम धोबी, है ना। देन वो मेंटेन्स लो एंड ऑर्डर इन अवर कंट्री, हमारे आपको सब पता ही है, अभी पहले रूल लगा था ना, लॉकडाउन था तो घर से बाहर नहीं निकलना है, बट बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे, तो वो उन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फॉलो करता था? पुलिस, द पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर्स इन अवर कंट्री, गवर्नमेंट ने लोगों को राइट्स दिया होता है ना कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो वो क्या करते थे, डंडे मार कर हमें घर पे पका देते थे, क्यों? क्योंकि उन लोगों को हमारी लाइफ की चिंता थी, इसीलिए। वो गार्ड्स योर हाउस एट नाइट, आप सबको पता ही होगा रात को जब हम सो जाएं तब रात को कौन हमारे घर को गार्ड करने के लिए आता है? वॉचमैन, हमारे फ्लैट में रहता है तो सबके पास एक वॉचमैन रहता है ना गेट के पास, वो क्या करता है, ध्यान रखता है। द वॉचमैन गार्ड्स माई हाउस एट नाइट, वॉचमैन गार्ड्स माई हाउस एट नाइट। वो स्टिचेस योर क्लोथ्स, आपके कपड़े हैं, आपका यूनिफॉर्म है तो वो थोड़ी ना सीधा मिल जाता है, उसको कोई तो सिलता होगा ना, तो वो स्टिचेस, द टेलर स्टिचेस माई क्लोथ्स, द टेलर स्टिचेस माई क्लोथ्स। वॉट डज अ बेकर डू,
ये बैकर होता है वो क्या करता है, ही बैक्स ब्रेड्स एंड केक्स. आप सब केक खाते हो ना, बर्थडे में केक मंगवाते हैं हम, तो वो कौन करता है, बेकर्स. ओके, तो हमने ये चैप्टर में क्या किया पढ़ा है, हमने ये चैप्टर में सीखा है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें अलग अलग वे में से हेल्प करते हैं, तो वो सारे हमारे क्या हुए, हेल्पर्स. टीचर्स है, डॉक्टर्स है, पुलिसमैन है, टेलर है, गार्डमैन है एंड बहुत सारे. ओके, तो हमें उन लोगों को क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट देनी है और दिल से उनको थैंक यू भी बोलना है. ओके, तो थैंक यू.